इनकी शायरी मुश्किल शायरी है, हर अच्छी शायरी मुश्किल शायरी होती है, शायरी कोई आसान काम नहीं है, ना शेर कहना आसान है, आला दर्जे का शेर कहना आसान नहीं है, और ना उसका पढ़ना आसान है, उसकी किरत भी मुश्किल है। ये नहीं कि ये हमेशा से मुझे मीर के हजारों शेरों का मानी नहीं मालूम, मीर तो इब्तदाई दौर से शायद हमारे पहला जो बड़ा दौर था, हजारों शेरों के मानी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उनके कुलियात पढ़े हैं, तो वो कुलियात पढ़ते हुए मुझे बार बार महसूस होता था कि शायद उर्दू का सबसे मुश्किल शायर मीर है, इसलिए कि इकबाल का एक फिक्री निजाम है, जब हम उसे जान लेते हैं तो उसकी शायरी मुश्किल नहीं रहती। इसी तरह गालिब का शेर की साख्तिक है, जिसमें पहलूदारी को मरकजी हैसियत हासिल है, तो जिसकी वजह से उसके शेरों में कई कई मफाहिम वो मिसरे की साख्त ऐसी बनाते हैं कि आप उसको कई तरह से पढ़ते हैं और कई तरह के मफाहिम उसमें पैदा हो जाते हैं। तो लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि मावरा जब छपी राशिद साहब की, तो वो बिल्कुल नई शायरी थी, अपनी साख्त में भी और अपने नज्म के तख्लीकी तजुर्बे में भी, नतीजतन एक तूफान उठा उसके खिलाफ, और ये बात भी बहुत हुई कि नहीं समझ आती। फिर पढ़ते पढ़ते पता लगा, एक वक्त आया जब मावरा बहुत आसान किताब बन गई, फिर ईरान में अजनबी की नज़में समझ नहीं आती, करते करते वो भी बहुत पढ़ी गई, फिर लामसावी इंसान मुश्किल हुई, फिर गुमान का मुमकिन मुश्किल हुई, आज राशिद मुश्किल शायद नहीं है क्योंकि वो ज्यादा पढ़े गए, उनसे ज्यादा मुश्किल शायर है मीरा जी जो राशिद की निस्बत कम पड़े गए। तो शायरी की मुश्किल और आसानी का ताल्लुक सिर्फ एक बात से है कि हम उसे कितना वक्त देते हैं। शायरी कोई ऐसा हुनर नहीं है कि हम समझें कि हम किताब खोलेंगे और शायरी से हमारी दोस्ती हो जाएगी। मैं उसके लिए कहता हूं कि शायरी जो है एक महबूब की तरह से है, जो बेनियाज भी होता है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि कोई उसको पढ़ता है या नहीं पढ़ता, जो पढ़ता है वो अपने वजूद की तहजीब करता है, जो नहीं पढ़ और अपने फायदा करता है, जो नहीं पढ़ता वो वैसा ही उजाट और गैर मुहज्जब रह जाता है जैसा कि बड़े सगीर पाक हिंद का मुआशरा इस वक्त है। ये मुआशरा जब शायरी बहुत पढ़ता था बहुत मुहज्जब था, हमने तारीखों में पढ़ा, हमने किताबों में पढ़ा, आला तरीन इंसानी कमालात इस मुआशरे में, आला तरीन इंसानी खसूसियात इस मुआशरे में पाई जाती थी, इंसानियत का एहतराम बेपनाह था, आदाब बेपनाह थे। तो लेकिन जब हम नौआबादियाती दौर में आए तो हमारा अपनी जो जिसे हम कहते हैं ना इंडिजिनस कल्चर, उससे हमारा ताल्लुक टूट गया, तो उसकी वजह से हम नौआबादियाती जो इजहारात थे उसके जेर असर चले गए। तो उन्होंने हमें बताया कि गजल बहुत फालतू और फजूल किस्म की सिंफ अदब है, असल नज्म है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो कुरान है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो जायज है। तो उन्होंने जो बताया ठीक बताया, हालांकि गजल या मस्तवी में इतने बड़े खजाने छुपे हुए हैं कि जिनको मसलन मसनवी मौलाना रूम को तो खुद यूरोप में आप उस पर जितनी रिसर्च होती है शायद हमारे मशरिक में भी नहीं होती। उन्होंने जब उसके गैर मामूली पन को जान लिया तो वो उसके गर्विदा हो गए। ये सारी गुफ्तगू मैं माफी चाहता हूं, यकीनन मुदर्रसाना होगी, लेकिन
सादत सईद जैसे शायर को समझने के लिए जरूरी है कि मैं पता हूं, क्योंकि ये मुख्तलिफ शायर, ये वैसे शायर नहीं है जैसे कि अमूमन हमें हमारे जहन में तसव्वुर पाया जाता है शायर का। 1865 से जदीद नज्म के हवाले से जो सफर आगाज हुआ वो बहुत आगे अब जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे जहन में, आम आदमी के जहन में कोई शायरी का तसव्वुर बाकी है तो वो गजल का तसव्वुर है। नज्म अभी हमारे वजूद में पेनिट्रेट नहीं कर सके, सो नज्म को पढ़ने का हमें तरीका ढूंढना पड़ता है, और उस तरीके में जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आपने एक नज्म को कितनी बार पढ़ा है। तो आप खुद सवाल पूछें अपने आप से कि आपने किसी भी आला दर्जे की नज्म को कितनी बार पढ़ा है। एक दफा में तो वो समझ नहीं आती, किसी नाबगे को भी समझ नहीं आती, किसी अफलातून को भी समझ नहीं आती। नज्म कोई फिक्री चीज नहीं है कि वो आप पढ़ें और आप उस फिक्र को समझ लें। नज्म एक तखलीकी तजर्बा है जो कितने बेशुमार मुतनव्वे अलूम से और तजुर्बात से मिल के बनता है, तो उस तक रसाई आसान नहीं होती। सादत सईद, अच्छा फिर शायर भी दो तरह के होते हैं, एक वो शायर जो रायजुल वक्त सांचों में और असालीब में शेर कहते हैं, और दूसरे वो जो अपने लिए अपने सांचे भी बनाते हैं और अपना उसलूब भी बनाते हैं। उसमें भी दो तरह के शायर हैं, एक वो जो किसी ट्रेंड में या किसी फैशन में ये काम कर रहे होते हैं, एक वो जिनके वजूद का तकाजा होता है। दोनों एक जैसे नहीं होते, एक के यहां मस्नूई तौर पे वो चीजें पैदा होती हैं और दूसरे के यहां फितरी तौर पर पैदा होती हैं। ये जानना कि ये जो उसका तजुर्बा है ये तखलीकी है या मस्नूई है, उसका एक ही तरीका है और वो है इस्तियारा, कि क्या वो इस्तियारे में बात करता है या वर्सिफिकेशन करता है। सादत सईद की शायरी की ये खसूसियत नहीं है कि वो एक नई जुबान बनाते हैं या एक मुश्किल जुबान बनाते हैं, ये कोई खसूसियत नहीं होती। इस हवाले से तो अब्दुल अजीज खालिद ज्यादा मुश्किल शायर है, लेकिन सादत सईद की ये खसूसियत नहीं है। सादत सईद की खसूसियत ये है कि वो इस्तियारे में बात करते हैं। अगर इस्तियार, और देखिए जब नसरी नज्म के मबायस हुए, जाहिर है इन्हीं के जमाने के मबायस हैं और नसरी नज्म का तजुर्बा भी इन्हीं के जमाने का तजुर्बा है, तो एक तवील अरसे तक, रुबा सदी तक नसरी नज्म को तो शायरी नहीं माना गया। अब भी जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं हमारे वो नहीं मानते उसे, लेकिन हमने देखा बड़ी गैर मामूली नज्में नसरी नज्म में लिखी गई। तो अब उसमें ना तो काफिया है, ना उरूज है, ना सनाए बदाए हैं जो पुरानी शायरी में होते थे, तो फिर क्या है उसमें? तो अब आप उसको इख्तिसार से बात करना चाहें तो वो इस्तियारा है, क्योंकि शायरी बुनियादी तौर पर मेटाफर तख्लीक करने का नाम है। तो अगर सादत सईद की शायरी में से मेटाफर निकाल दिए जाए तो ये बेमानी हो जाती है, क्योंकि शायरी किसी नजरिए के इजहार का नाम नहीं है। नजरिए के इजहार के लिए बेस्ट जो जरिया है वो मजमून है, मकाला है। शायरी किसी किस्म की तबलीग भी नहीं करती, शायरी मौजूदात के तनवों का नाम भी नहीं है। ये सारी चीजें उसमें आती हैं, लेकिन शायरी ये नहीं होती। शायरी बुनियादी तौर पर इस्तियारे की तख्लीक का नाम है। जब शायर इस्तियारा तख्लीक करता है तो हर नया इस्तियारा अपने अंदर एक नया नजरिया, एक नया कल्चर और एक नया उसलूब लेके आता है।
वो शायर का मकसूद नहीं है, वो इस्तियारे की बदौलत खुद वो खुद पैदा होता है। इन्होंने जो काम किया, जाहिर है हम सब जानते हैं कि हमारे इस अदबी दुनिया के बड़े मुफक्किर और बड़े नजरिया साज का नाम इफ्तिखार जावेद, तो इत्तेफाक से इधर सादत सईद और इधर अजहर गौरी, ये दोनों ही इफ्तिखार जावेद से मोहब्बत करने वाले और उनके नजरिया शेर को ठीक समझने वाले लोग थे। तो इन दोनों की शायरी पढ़ लें तो आप कहेंगे कि वो जो नजरिया इफ्तिखार जावेद की तनकीद में और उनकी शायरी में भी, खुद इफ्तिखार जावेद की शायरी में भी नजर आता है, तखलीक का नजरिया, वो इनके हाथ वो मिलता है, जिसमें एक बुनियादी चीज जो थी वो जुबान की वुसअत थी। इनका सबका नुक्ता नजर ये है कि जो हमारा कदीम लिसानी तजर्बा था बहुत फैलाव में था। ये कुछ तो नासिख ने आके जो जाब्ते बनाए उसने हमारे लिसानी तजर्बे को महदूद किया, और कुछ फोर्ट विलियम कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज जैसे इदारे थे जिन्होंने जुबान की प्योरिफिकेशन के नाम पर या जुबान की तसहील के नाम पर, सहूलत और आसानी के नाम पर जो नया एक लिसानी नजरिया दिया, वो हमारा नहीं था, वो कॉलोनाइजर्स का था, जिसकी वजह से हमारा तख्लीकी तजर्बा सफर किया, उसको नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा। जैसे आज हम जिस लिसानियात को जानते हैं या हमारे बच्चे जिस जुबान को जानते हैं, जिस उर्दू जुबान को जानते हैं, उनके लिए बागो बहार या तिलिस्मे होशरुबा या दास्तान अमीर हमजा का एक पैराग्राफ पढ़ना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो जो जुबान थी तिलिस्मे होशरुबा की, वो इसी वसी लिसानी नजरिए की हामिल थी, जिसमें अरबी भी थी, जिसमें फारसी भी थी, जिसमें हिंदी भी थी और जिसमें मकामी जुबानों के अल्फाज भी थे। आज हम, हमारा नौजवान वो जो पीएचडी कर रहा है उर्दू में, वो सबरस का एक सफा रीड नहीं कर सकता, समझना दूर की बात है, उसके लिए रीडिंग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें कन्नड़ के भी अल्फाज हैं, उसमें तेलुगु के अल्फाज भी हैं, उसमें मराठी के अल्फाज भी हैं, वो अलावा ये बड़ी जुबानों के। तो ये हमारा तख्लीकी तजर्बा था, जो 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 हम आगे आए तो वो उसको उन्होंने महदूद करते चले गए। ये नुक्ता नजर है इफ्तिखार जावेद का और हमारे सादत सईद का, कि जुबान को जब हम महदूद करते हैं तो गोया हम तख्लीकी तजर्बे को भी महदूद कर देते हैं। जितनी ज्यादा वुसअत जुबान में होगी, तख्लीकी तजुर्बे में उतनी ज्यादा वुसअत पैदा होगी, इसलिए कि उसे अपने इजहार के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैंने फारसी का कौन सा या अरबी का कौन सा लफ्ज लाना है। वो जहां पे, और इनकी बरकतें हैं इफ्तिखार जावेद और उनके इन दोस्तों की, कि आज हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में होने वाली शायरी है या लिखा जाने वाला फिक्शन है, उसमें बलोची के और सिंधी के और पंजाबी के, पंजाबी से हम ज्यादा वाकिफ इसलिए कि हमारा पंजाब के खत्ते में जो अदब तकलीफ होता है जल्दी पहुंच जाता है, तो उसकी नफ्सियात आई है बड़े कमाल तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से, और बहुत सारे लोगों ने उसको लिया है। तो इनके वो काम है जो इन्हीं, इन्होंने जो मुश्किल काटी, जो इल्जामात बर्दाश्त किए इन लोगों ने, उसकी वजह से आज हम इस काबिल हैं
कि हम अपने खित्ते की सकाफती जुबानों को बगैर किसी शर्मिंदगी के नहायत ताकत से इस्तेमाल कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। तो इनके यहां आपको लिसानी सतह पर ये तजर्बा मिलेगा, इन्होंने नासिख के इस उसूल को उड़ा के रख दिया कि हिंदी और अरबी या हिंदी और फारसी की तरकीब नहीं बन सकती इस इनके मजमुओं में, खुसूसन और कजली बन में खास तौर पे आपको नजर आएगी। नज़्मों के उन्वान उस तरह के हैं जो उस लिसानी पैराए को चैलेंज करते हैं जो हम पर इम्पोज किया गया था। लेकिन ये तो एक खिदमत है लिसानी हवाले से, तख्लीकी हवाले से जो कमाल इन्होंने किया है वो ये किया कि इन्होंने नए इस्तियारात वजा किए। हमारी पुरानी शायरी कुछ मखसूस इस्तियारात में बंद थी, वो इस्तियारात पुरानी तहजीब तक तो बामानी थे, जब तहजीबी तब्दीलियां हमारे आई तो वो यानी बामानी नहीं रहे, फिर वो इस्तियारे से लफ्ज बन गए। जैसे तलवार एक इस्तियारा था, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, तो वो तलवार एक इस्तियारा था जो बाद में लफ्ज बन गया। तो इसी तरह तीर एक इस्तियारा था जो बाद में लफ्ज बन गया। तो यानी अपनी बिल्कुल लफ्जी सतह या लुगवी सतह तक आ गया। तो अब जरूरत थी नए इस्तियारे बनाने की, तो इन्होंने क्या किया सादत सईद साहब ने कि इन्होंने तख्लीकी तजर्बे को बेमहाबा आजादी दी, गैर मामूली आजादी दी। तो नतीजतन इनकी इस शायरी में जो इस्तियारे हमें मिलते हैं वो पहले आपको नहीं मिलते। मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आप देखेंगे, और उसमें इस्तियारे के सारी सूरतें इस्तेमाल की उन्होंने। जैसे इस्तियारे की एक शक्ल है जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन इटसेल्फ एक मेटाफर है, यानी इस्तियारा बनाने का एक अंदाज है कि जब एक गैर इंसानी वजूद को वो इंसानी वजूद बना के देखता है तो क्या इसका नतीजा होता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कायनात के दूसरे अनासिर जिन्हें हम बाद का बेजान अनासिर कह रहे होते हैं, जिन्हें बाद का हम गैर इंसानी वजूद समझ रहे होते हैं, उनके साथ हमारा जो रब्त टूट गया है, जो ताल्लुक टूट गया है, वो इस्तियारे के जरिए लाशौरी तौर पर बनता है, कायम होता है। कारी को पता भी नहीं लगता वो ताल्लुक उस्तवार होता चला जाता है। तो सादत सईद साहब के यहां ये एक बुनियादी यानी जादूगरी है। अब वो हमें जैसे मुनीर रियाजी की नज़में हमेशा देर कर देता हूं मैं, बड़ी आसान नज़म है, मजेदार भी है, तो पढ़ते हैं, अच्छी भी है, मजेदार है, हम ये नहीं कहते खराब है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि जो शायरी हम पढ़े और पढ़ते ही हमें समझ आ जाए, इसका मतलब है उसमें कुछ भी नहीं। इसके बारे में टीएस एलियट ने यह कहा था कि शायर जब आम आदमी की नजरियात ख्यालात या तसव्वुरात की तौसीक करता है तो वो खुश होता है और कहता है बड़ी अच्छी शायरी है, हालांकि वो कतन अच्छी नहीं होती, क्योंकि शायरी तो हया तो कायनात के बारे में हमारे तसव्वुरात बदलती है, अगर वो नहीं बदलती तो हम उसको शायरी नहीं कह सकते। शायरी तो बहुत बड़ा तजर्बा है, कोई मामूली दर्जे की चीज नहीं है। अब हम जिस मुशायराती दुनिया में रहते हैं उसमें वो मामूली हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मामूली है। अभी आप जिलानी कामरान की बागे दुनिया पढ़ें तो आप हैरान रह जाते हैं कि वो दुनिया जो सरमायादारी निजाम ने 18वीं सदी में बनानी शुरू की थी, जो 21वीं सदी में मैच्योर होकर अब हर अंधे को भी नजर आ रही है, उसको कौन कौन कब कब कैसे कैसे बयान कर चुका है, गालिब से लेके इकबाल तक, इकबाल से लेके राशिद तक, राशिद से लेके सादत सईद तक,
तो वो शायर जो अपने अहद की जिंदगी में पेनिट्रेटेड होता है वो शायरी नहीं कर सकता जो आमियाना होती है और आमियाना जहनों के लिए होती है, क्योंकि उससे उसका वजूद भी मुत्तफिक नहीं होता, उसका तखलीकी वजूद मुत्तफिक नहीं होता। नतीजतन वो फिर रिस्क लेता है, ये रिस्क है अनपॉपुलैरिटी का। जो शायर अनपॉपुलैरिटी का रिस्क नहीं ले सकता वो नई शायरी नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलर तो सिर्फ वही शायर होगा जो आमियाना जहनों के मुताबिक आमियाना ख्यालात नज्म करेगा। जब वो नई जुबान बनाएगा, जब वो नए इस्तियारात बनाएगा, तो नए नजरियात और ख्यालात खुद ब खुद आएंगे। आप किसी फन पारे के एक जुज्व को तब्दील करें, बाकी अज्जा खुद ब खुद तब्दील हो जाते हैं। आप उसलूब बदलें तो उसके असरात हयात पर भी मुरतब होते हैं और मौजू पर भी होते हैं। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने जुबान बदली, और उस जुबान बदलने की वजह से इनके इस्तियारे बदल गए, और इस्तियारे बदलने की वजह से इनकी बात बदल गई। वो बात जो हर कोई कर रहा था, ये बात ही तरक्की पसंद आना, क्योंकि दुनिया में कोई अहम आला दर्जे का तरक्की शायर ऐसा नहीं हो सकता जो अपने बातिन में तरक्की पसंद ना हो, इंसानियत पसंद ना हो, जो जबर के निजामों को कबूल करता हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो मीर हो, चाहे वारिब हो, गालिब हो। बस सिर्फ ये कि आप हम उन्हें पढ़ने का तरीका भूल गए हैं, वरना जब वो मीर कहते हैं ना कि मारका गर्म तो टुक होने दो तू रेजी का, पहले तलवार के नीचे हम ही आ बैठेंगे, तो वो दरअसल खूनरेजी यही वाली है, इंकलाब की खूनरेजी है, तब्दीली की खूनरेजी है। तो या जिसे आप इश्क की खूनरेजी कहें, उनके लिए जो ट्रेडिशनल लफ्ज था वो इश्क था। इश्क जो है इंकलाब के मुतबादल लफ्ज था पहले हमारी शायरी में, तो वो आम जिंदगी के बाद इश्क नहीं थी। इश्क वो जिंदगी थी जो दूसरे इंसानों की जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली जिंदगी होती है। अब मैंने इतनी सारी बातें की हैं, तो जो बुनियादी मैंने आप तक बात पहुंचाई है वो ये है कि सादत सईद साहब शायरी नए इस्तियारात में करते हैं, नए इस्तियारात उनको उनके मौजूदात को बदल। अब ये मैं आपको नज़्म सुनाऊंगा, आप यानी मुझे यकीन है कि आपको लगेगा ये नज़्म समझ नहीं आई, मुझे भी नहीं, मैं भी ये कहता हूं कि मुझे पूरी समझ नहीं आती। क्यों पूरी समझ नहीं आती? क्योंकि नई नज़्म है, नई बात है, नए इश्तियार हैं। लेकिन जब हम इसको दो तो तीन चार पांच बार पढ़ेंगे तो ये आती है समझ, हर नज़्म समझ आती है। कोई नज़्म ऐसी नहीं होती जो आप उससे लारे मोहब्बत करें और वो आपको अपना वजूद ना सौंपे, ऐसी कोई नज्म नहीं होती। तो मैं एक नज्म सुनाता हूं, तुम्हारे साए मेरी तमन्ना के जंगलों में भटक गए। अब तमन्ना जंगल है, अब जरा सिर्फ तमन्ना और जंगल के रिश्तों को निकालना शुरू करें और उस पर बात करना शुरू करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोई मामूली यानी मेटाफर नहीं है। तमन्ना के लिए जंगल का लफ्ज मैं तो नहीं पढ़ा कभी आज तक, ये तो सादत सईद का बनाया हुआ है, तो इसी तो तकलीफ कहते हैं। पुराने लफ्ज को पुराने अंदाज में लिख देने से तो तकलीफ पैदा नहीं होती। तो कहते हैं कि तुम्हारे साए मेरी तमन्ना के जंगलों में भटक गए थे। अब ये इतनी तजरीदी लाइन है, तुम्हारे साए किनको कह रहे हैं? तुम्हारे साए जब पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। अभी हवाओं की आस्तीनों में ख्वाहिशों के कमल धड़क कर हरेक शय को गुब्बारे बारां की ठंडकों का लिबास देंगे। खूब दोनों लाइनों में मेटाफर्स की एक लाइन लगी हुई है, रेल फेल है।
इनका जो तखलीकी जहन है वो जिंदगी को मेटाफर के बगैर देखता ही नहीं है। मेटाफर इटसेल्फ एम्बिग्युटी पैदा करता है, इबहाम पैदा करता है, लेकिन उस इबहाम के अंदर बिल्कुल मचलती हुई जिंदगी पोशीदा होती है। तुम्हारी अभी हवाओं की आस्तीनों, हवाओं की आस्तीनें मैं तो नहीं कभी आज तक पढ़ा। ख्वाहिशों के कंवल धड़क कर आ रहे शह को गुबारे बारह की ठंडकों का लिबास, गुबारे बारह का लिबास नहीं देंगे, उसकी ठंडकों का लिबास देंगे। इतनी तजरीदी इजहार है, आप जहनी तौर पे से जरा गिरफ्त में तो लेने की कोशिश करें। गुबारे बारह की ठंडक का लिबास उसको गिरफ्त में लें, इतनी आसानी से नहीं आता। जब वो आसानी से हमारी गिरफ्त में नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये बेमानी शायर है। राशिद को भी बेमानी शायर कहा गया, मीरा जी को भी बेमानी, हर अहम शायर को, हर नए शायर को बेमानी कहा जाता है। कौन कहते हैं? जो खुद बेमानी होते हैं। वो कहते हैं जो शायरी को वो वक्त देने के लिए तैयार नहीं होते जिसकी मुतकाजी वो शायरी है। अभी तुम्हारे नकूशे निगरा में रेत होते मुसाफिरों के हवास फैलेंगे साया साया। क्या अच्छा, हवास को फैलता हुआ दिखाया है किसी ने, वो भी साया साया। क्या अच्छा, हवास के लिए साया बनाना और साये से ही शुरू करना। समंदरों से भी गहरी आंखें पलक पलक पर उदास खुशबू के आईनों पर, उदास खुशबू नहीं की बात करें, उदास खुशबू के आईने हैं, यानी ये जरा पेचीदा किस्म के इश्तियारे हैं। सुकूत आतश उबल पड़ेंगे, आतश सुकूत नहीं का, सुकूत आतिश का है, क्योंकि अमूमी जो हमारा तजुर्बा होता है वो आतिश सुकूत कहने का होता है। इन्होंने उल्टाया है, जब उल्टाया है तो मानी भी उलट गया, तजुर्बा भी उलट गया, मेटाफर भी उलट गया, अब ये बिल्कुल और हो गया। अब आप गौर करें, मुझसे पूछे इसका मानी तो मैं कहूंगा माफी चाहता हूँ, शायरी में मानी इतना अहम नहीं होता, तकलीकी तजर्बा ज्यादा अहम होता है। मैं उस्ताद हूँ, मुदर्रिस हूँ, मैं आपको खेच तान के बहुत सारे दो तीन चार मतलब भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी ये नज्म मफाहीम से बुलंद रहेगी, क्योंकि इसमें उसके अलावा बेशुमार और मौजूआत को मफाहीम है। असल मफहूम है मेरा वजूद जो इस नज्म में आया है, मेरा वजूद बयान हुआ है। शायर का असल काम क्या होता है कि वो अपने जमाने के इंसान को, जो जाहिर मीर के जमाने से मुख्तलिफ है, गालिब के जमाने से मुख्तलिफ है, अब तक इकबाल के जमाने से और राशिद के जमाने से भी मुख्तलिफ है, तो उस मुख्तलिफ इंसान को राशिद की या गालिब की या मीर की जुबान में कैसे बयान किया जा सकता है। तो ये है इनका क्लेम कि हर जमाने को उसकी जुबान में बयान किया जा सकता है, उसके लिए नई जुबान बनानी पड़ेगी या बनाता है शायद। राशिद की जुबान और है, मीरा जी की जुबान और है, तो वो उनके तजुर्बे की जुबान है। तो ये कहते हैं कि उदास खुशबू के आईनों में सुकूते आतश उबल पड़ेगा, मैं जेरे लब खामशी में खोए हरूफे बेदार जानता हूँ, जहाने तीरा में किरने चुनने की आरजू में, लरसती शाखों का रेजा रेजा फना की मौजों में बह गया है। ये मैं हूँ जिसने तुम्हारे माथे पे होंठ रखकर तुम्हारे पूरे बदन की सुर्खी जखीरा कर ली, ये मैं हूँ जिसने तुम्हारे लफ्जों की सर्द झीलें मुहीब शोलों को सौंप दी हैं, ये मैं हूँ जिसकी रगों ने फैले महीन शीशे तुम्हारी सांसों में हल किए हैं, गले में बिखरे सितारे रुखसार छलनी। अब आप कहें तो मैं इसमें जिनसी तजर्बा भी आपको निकाल दूंगा, वजूदी तजर्बा भी निकाल दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल अहम नहीं है। अहम है इनका तकनीकी तजर्बा जो एक नई जुबान में, एक नई इश्तियार की फजा में, एक नए इंसानी वजूद को, एक नए इंसानी मुआशरे को
अपने तमाम मुतालिकात के साथ पेश करता है तो शायरी मुरव्वज जुबान और मुरव्वज इश्तेहारात में होने वाली चीज नहीं है, ये एक तकलीकी तजर्बा है। तकलीकी तजर्बा मुख्तलिफ होगा हमेशा, क्योंकि वो मुख्तलिफ वजूद के अंदर तकलीक पाता है और मुख्तलिफ जमानों को मुख्तलिफ इंसानों को बयान करता है। तो बहुत शुक्रिया।